जोनाथन वर्सेस फियर ट्रेलर के पास जिगल वाली फाइट आते फियर यहाँ पे सामने भी कोई आंडू पांडू चंदू प्लेयर नहीं है, बस पेलने का है और क्या, नॉर्मल पेलने का है। टपाटप देने आया हूं ये ऐसा कोई पहला टूर्नामेंट ही खेल रहा हूं कोई टीडीएम वाला। बट तुम्हारे टीडीएम के यार दुनिया में फैन है फियर्स भाई, आपने जोनाथन को तो बहुत देखा होगा टीडीएम में। अरे भाई अरे हां, तो मेरे को जानना यार मतलब क्या स्ट्रेटजी लेकर आए हो, मतलब तुमने तो यार इनके बहुत सारे टीडीएम गेम्स देखे होंगे। क्या स्ट्रेटजी, नॉर्मल बस पेलने का है और क्या, नॉर्मल पेलने का है। जोनाथन यहाँ पे मुस्कुरा दिए बोले हाँ ठीक है भाई। फियर्स भाई प्रेशर है शांतनु, ए शांतनु नहीं 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 टीडीएम में कैसा प्रेशर। ओके बड़ी ओके, गुड लक मेरे भाई, गुड लक गुड लक, सेम टू यू। बिजी तो वो लोग आ नहीं पाए, वरना सोल को इनवाइट था एंड आई रियली विश सोल में से कोई आ पाता, बट इफ दे आर बिजी वी कांट डू एनीथिंग। ओके यहाँ पे मैच स्टार्ट होता हुआ फियर्स यहाँ पे जोनाथन को अच्छा खासा फ्री फायर देते हुए, डैम भाई मजा आने वाला लग रहा है। फियर्स यहाँ पे काफी कॉन्फिडेंटली यहाँ पे पुश करेंगे बचपन का प्यार जो कि जोनाथन है, रैम के ऊपर चढ़ेंगे, प्री फायर देने की कोशिश की, एडीएस फाइट लेने की कोशिश की। फियर्स यहाँ पे घूम के आएंगे जोनाथन के ऊपर, जोनाथन वर्सेस फियर्स ट्रेलर के पास जिगल वाली फाइट आते हुए फियर्स यहाँ पे जोनाथन का मुंह तोड़ जिगल पिक का जवाब देते हुए एंड उनको पवेलियन का रास्ता दिखाया जोनाथन। यहाँ पे पुश करेंगे, प्री फायर देने की कोशिश की गई थी जोनाथन के द्वारा बट एडीएस की सारी गोलियां मिस होते हुए फियर्स के ऊपर। फियर्स 3-0 से यहाँ पे जोनाथन के ऊपर लीड बना के रखे हैं। जोनाथन यू बेटर हैव टू कम अप विद अ बेटर स्ट्रेटजी मेरे भाई। फियर्स यहाँ पे ओ फियर्स 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 मेरे भाई थोड़ा तुम लोगों को लग रहा है शांत होना पड़ेगा मेरे ख्याल से। जी जी ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ये प्लेयर आप कहां से उठा के लाए हैं प्लीज बताएंगे। आई गेस मैं मेरी टीम भी बना रहा हूं, एक तो मुझे जरूरत है एक असॉल्टर की। फियर्स यहां पे ऑफ गार्ड पकड़े गए जॉनी के द्वारा, जॉनी यहां पे कमबैक करते हुए एक पॉइंट टेबल के ऊपर अपना चढ़ा दिया है। फियर्स टू जॉनी 4-1 यहां पे 3 पॉइंट्स की लीड है फियर्स के पास, थोड़ा कंफर्टेबली कामली खेलना होगा उन्हें, ये लीड गंवानी नहीं है क्योंकि सामने भी कोई आंडू पांडू चंदू प्लेयर नहीं है। बट यहां पे जोनाथन दिखाते हुए कि क्यों वो इस टूर्नामेंट का पार्ट है और क्यों वन ऑफ द फेवरेट्स है यहां पे। फियर्स को चकमा देंगे जिगल में एंड घर का रास्ता दिखाएंगे, 4-2 का स्कोर है यहां पे। जोनाथन फिर से जिगल में फियर्स को यहां पे मात देते हुए 4-3 कमबैक होता हुआ यहां पे जॉनी की तरफ से। मूविंग ऑन टू द जोनाथन पीओवी, वेस्ट इनकी पूरी तरीके से जा चुकी है, जोनाथन की ऑलमोस्ट 70% जा चुकी है बट जोनाथन इज कॉन्फिडेंट इन हिज मूवमेंट एंड हिज फायर पावर। पुश करेंगे सीमेंट स्लैब पे, यहां पे फाइट आ चुकी है फिर से। यार ये टॉयलेट वाली जगह मुझे नहीं पसंद, यहां पे लोग बैठते यार घंटा घंटा भर बैठते। ओ माय गॉड जोनाथन, अगर इनको याद होगा तो मैंने इनको एक चीज बताई थी कि नेड मार के आप अपने आप को यप लग रहा है टेलीपैथी हो रही है, मेरी बातें सुन रहा है जोनाथन। ये एक एचपी मुझे लगा ही था ये बच जाएगा क्योंकि चुल है ना, चुल है अंदर, चुल है, नेट फट रहा तब भी जिगल देना है मुझे तो आधी एचपी में जोनाथन रहे। यहाँ पे फाइट लेंगे फिर से, यहाँ पे फिर से फियर्स को चकमा देते हुए 4-5 का स्कोर। फियर्स भाई अगर आप सोच रहे हो कि अब कॉन्फिडेंस में लूज कर चुका हूं तो यही मौका है कॉन्फिडेंस गेन करने का, वापिस से एक किल करना है उसका। जॉनी का वेस्ट भी ऑलमोस्ट पूरी तरीके से डैमेज है तो अगर ये राउंड आप निकाल लेते तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वापिस आ जाएगा एंड आई रियली वॉन्ट फियर्स ये राउंड निकाले बिकॉज मैं चाहता हूँ ये गेम एंड तक 15-15 तक जाए। यहाँ पे जोनाथन काफी ज्यादा डैमेज ले हुए थे फॉर फियर्स, पूरी की पूरी मैगजीन जोनाथन के ऊपर फेल कर दिए। जोनाथन इसी चीज का फायदा उठाया एंड यहाँ पे फियर्स को घर का रास्ता दिखाया। फियर्स यहाँ पे फिर से पुश करेंगे मिड वेयरहाउस में, ये फाइट होने वाली है। फियर्स यहाँ पे फियर्स अब तो वेस्ट भी नहीं बची जोनाथन के पास। ओके जोनाथन यहाँ पे लग रहा है नेक्स्ट लेवल, मेरे को लग रहा है जोनाथन वॉज लाइक यार 4 पॉइंट्स लेने देता हूँ उसके बाद डिमोटिवेट करता हूँ, ये तो मावी से भी ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है लग रहा है। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया फियर्स को। फियर्स मेरे भाई
अगर अगर फियर्स अगर तुम मेरी बात सुन पा रहे हो तो मैं तुम्हें बस यही बोलूंगा, उसके पास वेस्ट भी नहीं है। अगर कोई मौका है कमबैक का तो इससे बढ़िया और कोई नहीं है। 18-0 यहाँ पे जॉनथन फियर्स के ऊपर पॉइंट्स लिए, एंड यहाँ पे जॉनथन यहाँ पे लो होते हुए फियर्स फाइनली फाइनली जॉनथन को बोल रहे हैं भाई आठ राउंड के बाद प्लीज भाई घर को जाओ, खाना वाना खा के आओ। जॉनथन यहाँ पे फ्री फायर देंगे, फियर्स ऑलमोस्ट आ चुके थे बट उनका भी अच्छा खासा मूवमेंट और बच गए वो फ्री फायर से। यहाँ पे पुश किया जाएगा फियर्स के द्वारा, दोनों के बीच में काफी ज्यादा अच्छी जिगल फाइट होते हुए बट जॉनथन कमिंग अप विद एन अपर हैंड ऑन फियर्स, घर का रास्ता दिखाएंगे फिर से फियर्स को। फियर्स पूरी तरीके से एक बार रिफ्रेश होके आएंगे एंड कोई अगर ड्रिंक्स वाली कोई भी एनर्जी ड्रिंक वाली कंपनी अगर ये मेरी स्ट्रीम देख रही है तो मेक श्योर यू गाइस अप्रोच मी, क्योंकि अगर आप करते स्पॉन्सर तो मैं आपका भी ये एनर्जी ड्रिंक का नाम ले लेता रिफ्रेश की जगह रेडबुल भी क्या है या मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक भी क्या है। एनीवेज यहाँ पे जॉनथन फियर्स को फिर से ऑफ गार्ड पकड़ते हुए एक भी गोली का डैमेज नहीं लिया एंड 5-11 का यहाँ पे स्कोर हो चुका है। 6 पॉइंट से लीड बना के जॉनथन कंफर्टेबली आई थिंक बैठे होंगे कि यार अब तो क्वालिफायर्स अब तो क्वार्टर फाइनल्स में जा ही रहे होंगे। जॉनथन का ये रूप देख के मुझे डर लग रहा है गाइस, कहीं मुझे मेरा एम हैक चालू करके ना आना पड़े फाइनल्स में इसको मारने के लिए। एंड जॉनथन यहाँ पे बिल्कुल भी मौका नहीं देते हुए फियर्स को, हेलमेट वेस्ट जा चुका है, क्या वो अपने आप को नेड करके मारेंगे? यस इस बार भाई प्लीज नेड के ऊपर बैठ जाना, जिगल पीक मत देना। नहीं ओ ये जली, ये तो जली होगी सामने मुंह के सामने अपने आप को मारना वो भी अपोनेंट के। ये तो फियर्स को यहाँ पे फिर से जिगल पीक करते हुए जॉनथन फियर्स मेरे भाई मैं बस इतना ही चाहूंगा जो स्टार्टिंग में 4-0 वाला आपका जो रूप था ना वो फिर से दिखाओ और जॉनथन को है ना 9 या 10 बार लगातार मारो, मैं तो कहता हूँ अभी बहुत हो गया जॉनथन का टपाटप। बट जॉनथन यहाँ पे रुकते हुए नहीं, लॉन्ग रेंज फाइट में जो भाई का हिप फायर है वो नेक्स्ट लेवल ही चल रहा है। एंड यहाँ पे फियर्स थोड़ा सा चकमा देने की कोशिश किए थे जॉनथन को, लगा था एक पल के लिए कि ट्रेलर के अंदर से आएंगे बट नहीं घूम के आए एंड जॉनथन ने अच्छे खासे रिफ्लेक्स यहाँ पे दिखाए। फियर्स के पीओवी पे चलते हैं फिर से, फियर्स यहाँ पे फ्री फायर देने की कोशिश करेंगे, जॉनथन भी यहाँ पे फ्री फायर दिए, प्रोन शॉट लेने की कोशिश की जॉनथन ने बट फियर्स बोले नो 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 नो। 6-16 का स्कोर चल रहा है, काफी ज्यादा लीड हो चुकी जॉनथन की तरफ से। एक तरीके से ये जो गेम था उसका जो विजेता है वो डिसाइडेड हो चुका है बट बात अब यहाँ आ जाती है पॉइंट डिफरेंस की। तो फियर्स कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना कम पॉइंट डिफरेंस बना के इस टूर्नामेंट से एग्जिट ले। एंड फियर्स मेरे भाई थोड़ा फियर्स मेरे भाई लेफ्ट में देखो, फियर्स यहां पे फिर से एक नई स्टार्ट लेते हुए जॉनथन ने अपनी पोजीशन दे दी। ये क्या क्रॉस फायर है यार, सॉरी हिप फायर है यार, ये इतना लॉन्ग रेंज कैसे मारते हो भाई तुम? और यहां पे जॉनथन ने शायद जंप मिस्टेक कर दी होगी बट नहीं, फियर्स उस चीज का फायदा नहीं उठा पाए जॉनथन के जंप का। एक पल के लिए मुझे भी लगा था कि जॉनथन का जो जंप है उसके ऊपर भारी पड़ेगा बट यहां पे जॉनथन उन्होंने संभाल लिया सिचुएशन को। दो गोली हेड यार, फियर्स का हेलमेट देखो बार बार जा रहा है, बार बार फियर्स के हेलमेट पे ही वार हो रहा है। यहाँ पे मिड वेयरहाउस में जॉनथन ने अपनी गद्दी संभाल ली एक बार फिर से एंड यहाँ पे फिर से जिगल वाली फाइट हो चुकी है। जॉनथन को यहाँ पे जिगल फाइट में मात देते हुए फियर्स ये बताते हुए कि भाई अगर 4 में से 3 बार जिगल पीक जिगल फाइट तुम जीतोगे तो एक बार मैं भी जीतूंगा यार, ऐसा नहीं है कि 4 बार तुम जीतोगे। फियर्स यहाँ पे पुश करने की कोशिश की, जॉनथन यहाँ पे बाहर निकले, यहाँ पे उनकी तरफ से भी पुश करने की कोशिश की गई है। जॉनथन अब देखना वो ये होगा कि कौन पहले पुश करता है। फियर्स यहाँ पे एक मूवमेंट ले रहे हैं कि मैं पहले पुश करूंगा एंड जॉनथन यहाँ पे जंप करते हुए काफी ज्यादा लो है। फियर्स यही मौका है पुश करके मारने का बट ये जंप फियर्स की उन्हीं के ऊपर भारी पड़ते हुए जॉनथन ने पिस्टल निकाली अपनी और उनकी जंप को फेल करते हुए फियर्स को घर का रास्ता दिखा। एडीएस फाइट आ चुकी है, अंदर बाहर किया जा रहा था बट जॉनथन एक जगह पे टिके रहे। वो बोले कि नहीं भाई मैं मूव करता रहूंगा, आप अंदर बाहर होते रहो, मैं तो एक जगह पे फायर देता रहूंगा। फियर्स जॉनथन फिर से मिड में, ओ जॉनथन अपने पुराने वही रूप में जो TSM का था, मतलब एक तरीके से बोला जाए तो जो पैन पिस्टल मारना है जब एक तरीके से मालूम है कि आप कॉन्फिडेंटली जीत चुके हैं तो वो पिस्टल पे आ चुके हैं। सिम्स आई मीन
ये सारी चीजें भी टूर्नामेंट को स्पाइसी बनाती है, नो डाउट, और स्पाइसी से वॉचिंग बढ़ती है एक तरीके से बोले तो, और वॉचिंग बढ़ती है तो चैनल तो मेरा ही है, तो अच्छा है जोनाथन आप जो भी कर रहे हैं, ये मैंने आपको नहीं बताया था करने को, बट आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फियर्स मेरे भाई, एक जोनाथन यहाँ पे कंप्लीटली ऑफ गार्ड फियर्स को पकड़ते हुए। कैरियर ओके जी, फियर्स यहाँ पे जिगल वाली फाइट आते हुए जोनाथन को काफी ज्यादा लो किया। अब फियर्स बोल रहे हैं मेरी बारी है पिस्टल पे आने की, बेटा तुमने बहुत मार लिया, बट अगर मार देते तो सच में ये साबित हो जाता, बट नहीं हो पाया। जोनाथन कवर में चले गए थे, वो 10 एचपी पे फियर्स ने जोनाथन के अगेंस्ट क्लच किया है, काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से उनको मूवमेंट में मात दी। जोनाथन भाई तुम क्या बैठ गए हो, क्या कर रहे हो भाई? ओके बाहर निकल के आए, आखिरी 5 सेकेंड रैंप वाली फाइट ली जोनाथन, एक गोली का डैमेज लिया है एंड मूविंग ऑन टू की द प्लेयर यू आर प्लेइंग अगेंस्ट ही इज नॉट ए स्मॉल नेम, कम्युनिटी में सब लोग उनको जानते हैं, एंड उनके अगेंस्ट भी इस तरह का स्कोर खड़ा रखना इज लाइक ए वेरी बेहतरीन। Till I get up, time is barely on our side.